चाइनीज ये मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स आयोनियन सी है ये सेपरेट करता है ग्रीस को और इटली को जिग्मे दॉर्जी नेशनल पार्क लोकेटेड है भूटान में सी इफ यू टॉक अबाउट दिस आयोनियन सी तो ये इटली है इटली का जो शेप है ना ये बूट शेप्ड कंट्री बोलते हैं बूट ये यहाँ पे देन यूरोप है सो so, ये जो सी है दिस इज एड्रियाटिक सी एड्रिया सी यहाँ पे खत्म हो जाएगा अल्बेनिया एंड देन फिर स्टार्ट होता है आयोनियन सी तो दिस सदर्न इटली एंड दिस वेस्टर्न ग्रीस इन दोनों के बीच में होगा आयोनियन सी आज के सवाल हैं संबलपुर संबलपुर ट्रेन भी है संबलपुरी डांस इज अ फोक डांस विच हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया किस राज्य से संबलपुरी डांस बिलोंग करता है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बैटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये किस स्टेट में लोकेटेड है बाघ बाघ एक विलेज है ग्वालियर में इसका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है नेम वाई इट इज फेमस फॉर वॉट द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड इज इंडिया मोस्ट पॉपुलरस सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है मोस्ट पॉपुलरस सिटी शहर कौन सा है वर्ल्ड में विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किस सिटी से सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर आए हैं इंडिया के नेम द सिख गुरु हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर कल पंजाब का मैप देखा था अमृतसर सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज हम पढ़ेंगे हैवी रेन साइक्लोन निवार ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और समझेंगे एनडीए गाइडलाइंस कोविड 19 की नई गाइडलाइंस है एमएचए का आरटीपीसीआर टेस्ट दिल्ली अपडेट्स दिस इज आर्टिकल लीड आर्टिकल जॉब एक्सपोर्ट्स एंड द ट्रेड पैक्ट लिंक वेरी गुड आर्टिकल रिफाइनिंग ट्रेड यूनियन स्ट्रैटेजी जली कट्टू ऑस्कर अवॉर्ड यह नया एडिशन है इंडियन नेवी में एंड दिस इज भूटान एंड जर्मनी टाइज डीएगो मैराडोना वन ऑफ फुटबॉल्स इमोटल्स लीव अर्थ द मिल्क मैन ऑफ इंडिया द मिल्क महान श्वेत क्रांति वाइट रिवॉल्यूशन एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस बहरीन एंड रिमेंबरिंग अरो और ये ब्लू टाइड फिनोमिन अभी विटनेस हुआ था विल एवर टॉक ऑन रत्नागिरी में और आज का मैप है झारखंड हम झारखंड राज्य के बारे में समझेंगे सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट ये हमारा रेफरेंस मटीरियल है द हिंदू और यह है इंडियन एक्सप्रेस दोनों दिल्ली एडिशन है रेन एज साइक्लोन निवार अप्रोचेस कोस्ट साइक्लोजेनेसिस होता है बे ऑफ बंगाल में ओशियन में फिर साइक्लोन मूव होता है टूवर्ड्स लैंड लैंड पे जिस पॉइंट पे वो लैंड से कांटेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं लैंड फॉल और लैंडफॉल होते ही साइक्लोन का सोर्स जो है दैट इज वार्म ओशनिक वाटर उससे डिस्कनेक्ट होता है और साइक्लोन वीक होने लग जाता है

ये जो साइक्लॉन्स होते हैं ना इनका हम नेम तो करते ही हैं साथ ही साथ इनको कैटेगरी में भी रखते हैं तो ये कैटेगरी है आईएमडी की कैटेगरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी क्या है स्केल क्या है जैसे सुपर साइक्लोन हुए एक्सट्रीमली सीवियर वेरी सिवियर साइक्लोनिक साइक्लोनिक डीप डिप्रेशन 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 मतलब एक लो प्रेशर एरिया बना विंड्स सब जगह से उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए कन्वर्ज हो रही है और फिर ये राइज होगी सर्कुलर पैटर्न में अपवर्ड This is और उसका इंटेंसिटी कितना है विंड का उसके अकॉर्डिंग होंगे ये में. भी होते हैं, जैसे फैलन आया था फनी आया था अम्फन um साइक्लोन्स भी क्या होते हैं यूजुअली जैसे पहले डिप्रेशन बना फिर इनका नेचर चेंज होता है ऐसा नहीं कि वो साइक्लॉनिक है तो इसी स्केल में रहेगा वो हो सकता है अपग्रेड होके एक्सट्रीमली सीवियर भी बन जाए सो so, विंड स्पीड डिटरमाइन करती है कि वो किस कैटेगरी का साइक्लोन है अब हॉटर ओशन है हॉटर ओशन बे ऑफ बंगाल तो यहाँ साइक्लोन्स जनरेट ज़्यादा होते हैं टेंडेंसी ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पहला वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए तकरीबन छब्बीस दशमलव पाँच डिग्री सेंटीग्रेड एटमोसफियर में इनस्टेबिलिटी होना चाहिए ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए लोअर और मिडिल ट्रोपोस्फेयर हमने लेयर्स ऑफ अर्थ देखा है एटमोस्फेयर एनसीआरटी में वेरी गुड चैप्टर ट्रोपोस्फेयर में ज्यादातर सारी जो एटमोसफेरिक एक्टिविटी होती है वेदर फिनोमिन होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं लोअर और मिडिल ट्रोपोस्फेयर फिर कोरियोलिस्ट फोर्स होना चाहिए ताकि ऐसे रोटेशन लो प्रेशर सेंटर में प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल डिस्टर्बेंस होता है फिर यही आगे एलिवेट होगा और वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए बिकॉज साइक्लॉन्स ऐसे बन रहे हैं वर्टिकल विंड शेयर होगा तो ये टूट जाएंगे तो लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए सो दीज आर ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस ये ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस के कुछ पॉइंट्स हैं अब जब अम्फन आया तब भी हमने ये बात किया था कि अम्फन विल नॉट बी द लास्ट साइक्लोन ऑफ द सुंदरबन पहला भी नहीं है आखिरी भी नहीं है द नीड ऑफ द आवर शुड बी फॉर्मुलेट करें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मिटिगेशन हो रिस्क मिनिमाइजेशन हो रिजाइलियंस बिल्डिंग हो और प्रपेरनेस वो टू रेस्पॉन्ड सच इवेंट्स ऑल हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है जैसे 1999 का इफ़ यू रिमेंबर साइक्लोन आया था उड़ीसा में बहुत इनोसेंट लाइव्स हमने लॉस्ट किया था फिर जब दूसरा साइक्लोन आया अम्फन आया अब हम ना एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ को हम सेव कर लेते हैं बिकॉज हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट कर लिया है और प्रपेरनेस पे हमने ध्यान दिया है जैसे साइक्लोन प्रूफ शेल्टर्स बनाए जाते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है सैटेलाइट के थ्रू हम इसको मॉनिटर करते हैं ट्रैक करते हैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी तुरंत रेस्पॉन्ड करता है तो हम साइक्लोन का जो मटेरियलिस्टिक लॉस है वो तो होता है बट जो ह्यूमन लॉस है उसको हम सेफ कर लेते हैं तो दिस इज अ विन द सफरिंग ऑफ टूडे शुड ब्रिंग इन सम विजडम इफ़ नॉट गेन फॉर द फ्यूचर एक्सलेंट लाइन्स आज की जो सफरिंग है उससे क्या होना चाहिए विजडम आनी चाहिए अगर गेन नहीं आए एटलीस्ट तो द सफरिंग ऑफ टूडे शुड ब्रिंग इन सम विजडम इफ नॉट गेन फॉर द फ्यूचर अब हम एनडीए में एन डी ए में जो है ना ये सोर्स अथॉरिटी है डिजास्टर से रिलेटेड कुछ भी इंडिया में हो रहा है उसकी सारी गाइडलाइंस आएगी यहाँ से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम ओरिजिनल सोर्स को डायरेक्ट डील करें उसको डायल्यूटेड फॉर्म में नहीं देखें दैट इज वाई हम न्यूज पेपर द हिंदू जैसे हम पढ़ रहे हैं तो दिस इज द ओरिजिनल सोर्स अब इससे नोट्स बनेंगे ये सेकेंड हैंड वर्जन हो जाएगा एन की जो गाइडलाइंस हैं ये ओरिजिनल गाइडलाइंस हैं तो जैसे ही इसका ट्विटर हैंडल है पी का भी ट्विटर हैंडल बहुत अच्छा है ये एन की ऑफिशियल वेबसाइट है ये ऐसे ना इन्फोग्राफिक्स निकालते हैं बी स्मार्ट बी प्रिपेर जैसे बिफोर साइक्लोन आपको ये सारी चीज़ें करनी है ड्यूरिंग एंड आफ्टर साइक्लोन आपको ये सारी चीज़ें करनी है अब आप अप्लाई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट ने ये सारी पॉइंट्स बताए हैं अगर आप यही पॉइंट्स बताओगे तो गवर्नमेंट को ये लगेगा कि यू नो हाउ गवर्नमेंट वर्क्स एंड यू वुड हैव वेरी गुड चांस टू क्वालिफाई तो दैट इज़ वाई फॉलो दीज रिसोर्सेज यहाँ क्या पॉइंट्स लिखे हैं इनको एज इट इज़ आप अपना पॉइंट बना के लिख सकते हो बिफोर साइक्लॉन आपको ये सारी चीज़ें करनी है ड्यूरिंग एंड आफ्टर साइक्लॉन में इंडोर्स रहना है आउटडोर्स हो तो ये आपको मेजर्स लेने हैं फिशरमैन को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है तो हैव अ रीड स्टे सेफ डिंग साइक्लॉन अब राइटिंग हम रोज करते हैं दिस इज द क्वेश्चन फॉर टूडे रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रीस्टोरेशन प्रिपेयर करें अट ऑन आफ्टर साइक्लॉन वर्क नोट ऑन आफ्टर साइक्लॉन आ गया अब इसके बाद क्या राहत पुनर्वास और बहाली चक्रवात के बाद के काम पर एक नोट तैयार करें जब चीजें आप ऐसे लिखोगे ना तो वो कंसोलिडेट हो जाएगी वरना चीजें सब हवा में रहती है और ये भूल जाते हैं हम कंसॉलिडेट दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट सो राइट इट डाउन सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया फ्रेश कोविड गाइडलाइंस कोविड की नई गाइडलाइंस इशू की है गाइडलाइंस में तीन पैरामीटर्स पर ध्यान देना है सर्वेलांस कंटेनमेंट और कॉशन ये गाइडलाइंस एक्टिव होगी थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तक इसमें हम क्या करेंगे ट्रैकिंग करेंगे कोविड केसेस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे क्वारंटाइन भी करेंगे और फॉलो अप फॉलो अप मतलब जैसे हमने कुछ पढ़ा फिर रिवीजन कर रहे हैं तो जो भी केस आया था उसका फॉलो अप लो कि उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुआ कोविड नाइन्टीन पेशेंट का फॉलो अप नो लॉकडाउन विदाउट कंसल्टिंग द सेंटर ये क्लियर हो गया है लॉकडाउन बिना कंसल्टेशन के नहीं होगा अगर लॉकडाउन लगा भी तो वो हॉटस्पॉट एरियाज में ही होगा ओवरऑल लॉकडाउन का पॉसिबिलिटी रेयर है इन सिटीज वेयर द वीकली केसेस पॉजिटिविटी रेट मोर देन दस प्रतिशत है मतलब जिसको टेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आने का चांसेस दस परसेंट से ज्यादा है वहां पे स्टग स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग हो सकती है सुटेबल मेजर्स लेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के सो so दैट वहां पे और ज्यादा चीजें वर्जन नहीं हो सो दीज आर गाइडलाइंस थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तक अब जो थर्ड है दिल्ली का दिस पॉल्यूशन एंड विंटर काम विंडलीज ए क्यूवाई टू सिवियर कैटेगरी ओवरकास्ट स्काई है इससे मिनिमम टेम्परेचर रेज हो गया ओवरकास्ट मतलब बादल छाए हुए हैं ये स्मोक बिलोइंग फ्रॉम गाजीपुर लैंडफिल इन दिल्ली ये क्या है ये दिस गाजीपुर लैंडफिल है यहाँ पे जितना भी कचरा है सब यहाँ पे आता है और डंप किया जाता है और इसका ये पहाड़ बन गया है यहाँ अक्सर फायर आ जाती है और इस टाइप की जैसे फायर आई है पॉल्यूशन दिस इज अग थ्रेट गाजीपुर लैंडफिल इन दिल्ली ऑन वेंसडे आर टी पी सी आर टेस्ट दिल्ली में पास थ्री वीक्स में सी ट्वेंटी एट परसेंट पॉजिटिविटी आ रही है नॉट एट ऑल गुड आर टी पी सी आर टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ज़्यादा एक्यूरेट होता है एंड सी इस टाइप की हवा रहती है स्मोक है स्मोक प्लस फॉग दिल्ली में वेंसडे मीन वाइल पंजाब ने बोला है कि हम नाइट कर्फ्यू फिर से रीअम्पोज करेंगे बिकॉज सेकेंड वायरस वेव लगता नज़र आ रहा है कोविड नाइन्टीन के केसेस महाराष्ट्र में भी बहुत तेजी से सर्ज हो रहे हैं सो दीज आर सम न्यूज ये पेज नंबर टू थ्री फोर में है दिस कास्ट स्काई दिस इज आर टी पी सी आर फ्रेश गाजीपुर लैंडफिल दिस इज पंजाब एंड ये है दिस पंजाब ये नॉर्थ एंड वेस्ट है महाराष्ट्र स्प्रेडिंग वॉर्म ये जिला है चुरू विमेन सेलिंग ब्लैंकेट इन चुरू स्टेडीली ड्रिजल हुआ है कम बारिश ड्रिजल वेंसडे मॉर्निंग में दिस इज स्प्रेडिंग वॉम्थ देन अब आते हैं एडिटोरियल में फर्स्ट एडिटोरियल है मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस इज पॉलिटिकल क्रिकेट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया का टूअर इंडिया अभी ले रहा है देन जॉब्स एक्सपोर्ट एंड द ट्रेड पैक्स लिंक काफी अच्छा आर्टिकल है इकोनॉमिक्स और ट्रेड रिलेटेड चीजों पर अच्छे इंसाइट्स है यहाँ पे इंडिया नीड्स टू शेड हमारी क्या होती है हम एक इमेज बना लेते हैं और फिर क्या होता है हमको उसी इमेज में फोर्सफुली रहना पड़ता है और ये हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस को ब्लॉक कर देती है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंडिया नीड्स टू शेड इट्स एग्जेजरेटेड फियर्स फियर्स भी होते हैं वो फियर्स रियल भी नहीं है एग्जेजरेटेड है तो जो एग्जैजरेटेड फियर है हमारी साइकोलॉजी में आ गया है कि ये ट्रेड पैक्ट अच्छे नहीं है पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो हम न्यू एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करने से पीछे हट रहे हैं तो इंडिया नीड्स टू शेड इट्स एग्जेजरेटेड फीयर्स ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स ताकि नए जॉब्स आए और ये ही कंट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है हम बार बार बोलते हैं इंडिया एक यंग कंट्री है यूथ को क्या चाहिए यूथ वांट्स गुड एजुकेशन बेटर फैसिलिटी एंड जॉब्स एम्प्लॉयमेंट चाहिए जिसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है तो इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में सेकेंड वेव ऑफ कोविड फिर से आ रहा है फियर्स ऑफ लॉकडाउन भी है तो टेक्निकली हम रिसेशन में हैं और फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो रहा है जिससे जॉब लॉसेस होगा फोकस ऑन लेबर हमें करना चाहिए लेबर इंटेंसिव जॉब क्रिएशन में वाई बिकॉज सी कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी होता है फॉर एग्जाम्पल एपेरल सेक्टर बांग्लादेश से हमें सीखना चाहिए एपेरल में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं और जैसे बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वी शुड फोकस ऑन दिस एपेरल लेदर गुड्स और एग्री बिजनेस क्वांटिटी आएगी यहाँ पे क्वांटिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट अब एक और सेक्टर है वो है एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है इससे क्या होगा जॉब क्रिएट होगा वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट में स्टीव डोरिंग कंटेनर स्टेशन में शिपिंग में शिप हैंडलिंग में फाइनेंस एक्सपोर्ट फाइनेंस तो यहाँ एक बहुत बड़ा ड्राइवर आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम्स भी है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम एंड गुड्स सर्विसेज के लिए भी है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हमें फोकस करना है अब इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है तो हम क्या यूजुअली करते हैं टैरिफ बैरियर लगा देते हैं जैसे मिस्टर ट्रम्प बार बार क्या बोलते थे हार्ले डेविडसन में बहुत ज्यादा टैरिफ बैरियर इंडिया लगा देता है तो हम हायर टैरिफ लगाते हैं नॉन टैरिफ बैरियर भी लगाते हैं नॉन टैरिफ मतलब हमने टैरिफ नहीं बढ़ाया बट टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी नॉन टैरिफ बैरियर क्वान्टिटेटिव लिमिट्स करते हैं कि सौ यूनिट से ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करेंगे हम रिटर्न ऑफ लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग आ रहा है बॉर्डर कंट्री रिस्ट्रिक्शंस आ गए जैसे चाइना में लगाए और एप्रिशिएट हो रहा है वैल्यू ऑफ द रुपी हमारा रुपी अगर मजबूत बनता है जैसे 2014 से रुपी का थोड़ा एप्रिशियेशन हुआ था एप्रिशिएट होता है वैल्यू ऑफ द रुपी तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है एप्रिशिएटिंग वैल्यू ऑफ द रुपी तो ये सारे रीजनज हैं जिसके कारण क्या हुआ हमारा एक्सपोर्ट इतना किक नहीं कर रहा है और एक्सपोर्ट अगर अप नहीं जा रहा है तो यहाँ पे जॉब्स नहीं आ रहे हैं सेकेंड ह्यूम और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है कि ह्यूमन जो वर्ड है सोसाइटी है वो रूल बेस्ड है नियम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं रूल बेस्ड सोसाइटी अगर ट्रेड में रूल बेस्ड ट्रेड नहीं हो रहा है और रूल्स का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है तो ट्रेड में फिर के ओस एंड डिसडर होता है तो जैसे रूल बेस्ड ट्रेड के लिए डब्ल्यू टी ओ तो है ही साथ ही साथ एक रीजनल ब्लॉक्स भी बनते हैं जैसे एशियान हुआ नाफ्टा हुआ मर्कोसोर हुआ एशियान नाफ्टा मर्कोसोर आप बताओ ये कहाँ पर है मर्कोसोर सदन कॉमन मार्केट मर्कोसोर तो ये जो तीन है ना जैसे ये सक्सेस स्टोरी है बट अगर साफ्टा की बात करें तो ये इतना सक्सेस नहीं हुआ हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इनकी जो थीसिस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो दिया एक्सलेंट इकोनॉमिस्ट इन्होंने जो थीसिस में लिखा तो उन्होंने बोला इंडिया टू शेड इट्स एक्सपोर्ट पैसिमिज्म है हमारा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है पैसेमिस्ट है इसको हमें शेड करने की जरूरत है द आर्ट ऑफ सर्वाइवल इन अ फीयर्सली कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड इज एंगेजमेंट एंड नेगोशिएशन लुक एट द लाइन्स द आर्ट ऑफ सर्वाइवल इन अ फीयर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इज एंगेजमेंट एंड नेगोशिएशन एक्सपोर्ट्स आर वन ऑफ द मेन इंजेंस टू रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट मोर न्यू मैनी न्यू जॉब्स एक्सपोर्ट्स से जॉब्स क्रिएट होंगे एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करने के लिए इंडिया को ज़रूरत है कि हम फ्रिक्शन लेस करें मतलब बीच में स्मूथ होना चाहिए उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए ग्लोबल मार्केट का एक्सेस और जो ये प्रोटेक्शनिज्म एंड ऑटार्की विल टेक बैक सेवरल डेकेड्स ये जो पॉलिसीज होती हैं प्रोटेक्शनिज्म है ये हमें हेल्प नहीं करेगा तो यहाँ पे विजडम यही लाई करती है विजडम लाई करती है कि लर्निंग फ्रॉम द पास्ट जो है वो है बीइंग स्मार्ट और रिजाइलियन रहे इन द प्रेजेंट एंड सिक्योर करें प्रॉस्पेरिटी इन द फ्यूचर वेरी गुड लाइंस तो प्रोटेक्शनिज्म एंड दिस ऑटार्की इज नॉट गुड ऑटार्की मतलब हम सेल्फ सफिशेंट हो गए क्लोज इकोनोमी हो गई हमें बाहर किसी की जरूरत ही नहीं है तो इससे क्या होता है ग्रोथ हेम्पर होती है प्रोटेक्शनिज्म एंड ऑटार्की सो दीज आर द सम पॉइंट्स ये जो लाइन्स है ना दीज आर वेरी गुड कुछ जो लाइन्स ऐसी आ जाती हैं इनको याद कर लेना चाहिए और आंसर में बीच बीच में या बोलते वक्त यूज दिस लाइन इससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है राइटिंग का एंड स्पीच का सो दीज आर वेरी गुड लाइन सो दिस इज द लीड आर्टिकल लीड आर्टिकल जॉब एक्सपोर्ट्स एंड द ट्रेड पैक्ट्स लिंक अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट ट्रेड यूनियन स्ट्रेटेजीज टू स्ट्राइक अ कॉड ट्रेड यूनियन अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी देखेंगे तो जब से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया कंपनीज आया इनको चाहिए होते हैं वर्कर्स और वर्कर्स का अक्सर एक्सप्लॉयटेशन होता है एक्सप्लॉयटेशन होता है इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती जैसे माइग्रेंट वर्कर्स में हमने देखा तो एक सेफ होना ज़रूरी है ताकि राइट्स ऑफ वर्कर्स प्रोटेक्ट किए जा सकें जॉब्स एक्सपोर्ट्स एंड द ट्रेड पैकलिंग दिस ट्रेड यूनियन स्ट्रैटेजी तो जो वर्कर्स होते हैं ना ये भी क्या करते हैं एक यूनियन बनाते हैं अब बिकॉज कुछ टाइम से कोविड नाइन्टीन है और सरकार ने लेबर कोड लॉज में अमेंडमेंट किए हैं तो जो ट्रेड यूनियन है यहाँ पे कुछ बहुत वैलिड पॉइंट्स बताया है कि इनके जो जेन्यन कंसर्न है उसको एड्रेस करना इट्स हाई टाइम लेबर लॉ रिफॉर्म्स सेट टू चेंज इंडस्ट्रियल रिलेशन तो ट्रेड यूनियन रेस्पॉस मस्ट इंक्लूड सोशल डायलॉग टू गवर्नमेंट में अगर हमें गुड गवर्नेंस करना है तो जिसको आप गवर्न कर रहे हो जो सब्जेक्ट है उसका कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है यहाँ यही चीज़ जो है डायलॉग जो है इसमें गवर्नमेंट मिस आउट कर रही है सेंट्रल ट्रेड यूनियन है सी टी यू नेशन वाइड स्ट्राइक करने की बात बोल रही है बिकॉज परसेप्शन ऐसा है कि लेबर लॉज जो आए हैं दे आर नॉट गुड फॉर इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट जो लेबर लॉज आए हैं वो परसेप्शन ऐसा मानती है कि जो माहौल है दैट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट तो जो यूनियन है यूनियन है सरकार है वो लेबर लॉस को अमेंड करना चाहती है और अमेंड इस तरीके से करना चाहती है कि जैसे कोविड नाइन्टीन का ड्रॉप हुआ इकोनॉमी ड्रॉप हुआ अब हमें क्विक रिकवरी चाहिए वी शेप्ड रिकवरी चाहिए तो वी शेप्ड रिकवरी के लिए जो लेबर प्रोटेक्शन लॉज है वर्किंग आवर्स है इस सबको डायल्यूट कर दो कुछ स्टेट्स ने ये मेजर्स लिए थे बट इससे क्या फिर होता है ह्यूमन राइट्स वॉयलेट होते हैं तो सरकार गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जो लेबर है वो चीपर हो और एक फ्लेक्सिबल लेबर का ऑप्शन हो तो दैट इज़ वाई रिवाइज करने की बात है लेबर लॉज एंड कोड्स को अब इसमें इंटेंशंस आर गुड गवर्नमेंट इंटेंशंस आर देयर बट द पॉइंट इज प्रॉपर सेफ हो रहा है या नहीं हो रहा है लेबर लॉज का सी ये जो रिविजन आया था लेबर कोड्स का इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं जैसे एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज होना चाहिए स्टैचुरी रिकोगशन दिया ट्रेड यूनियन को फॉर्मलाइजेशन की बात किया एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का और सोशल सिक्योरिटी देने की बात है गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को जैसे स्विगी एंड ऑल प्लेटफॉर्म इकोनॉमी वर्कर्स की भी बात किया ये प्लस है ये प्लस पॉइंट्स हैं दीज आर वेरी गुड बट पॉइंट ये है कि अगर अपन रीड इन बिटवीन द लाइंस करें तो वहां पे इन सब चीजों को बाईपास करने का भी बहुत इजी प्रोविजन रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी एम्प्लॉयर को इन टर्म्स ऑफ इजी हायर एंड फायर जब चाह नौकरी में रखा और तुरंत नौकरी से निकाल भी दिया फ्रीडम टू हायर कॉन्ट्रैक्ट लेबर अनरेगुलेटेड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा दीज थिंग्स जो है इससे जो लेबर का सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होता है वर्कर्स का तो इस बात पे भी सवाल उठते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है अब ट्रेड यूनियन क्या होता है पॉलिटी में हम पढ़ते हैं प्रेशर ग्रुप्स तो जो ट्रेड यूनियन है इट इज़ काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है ये एक प्रेशर ग्रुप्स है सोसाइटी क्लब है तो ट्रेड यूनियंस के पास छह ऑप्शन है टू कन्फ्रंट और सॉफन दीज मेजर्स सोशल डायलॉग करें मतलब सरकार से बात करें अपना पॉइंट बताएं पॉलिटिकल लॉबिंग करें बिकॉज ट्रेड यूनियंस का कई बार पॉलिटिकल अफिनिटी भी होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन करें जैसे अभी पंजाब में रेल रोका था अपोजिशन पार्टी लीगल एक्शन ले बाय अप्रोचिंग द जुडिशरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे भी जा सकते हैं उसका इंटरवेंशन करें डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन करें द पॉइंट इज इन सब ऑप्शन से पहले ही गवर्नमेंट एंड जो लेबर है लेबर यूनियन है सी है जो पार्टी है इन दोनों को आपस में डिस्कस करके दे शुड कम एंड फाइंड आउट अ सोल्यूशन बिकॉज कोविड नाइनटीन भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है इकोनॉमी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है सच टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंटेशंस इकॉनॉमी के लिए अच्छे नहीं होंगे सो दिस इज द थिंग Now, अब जो नेक्स्ट है वी डोंट नीड नो एजुटेक कंट्रोल नो दिस इज अ वेरी 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 गुड आर्टिकल थॉट प्रोवोकिंग वन ये लिखा है सुशांत सिन्हा साहब ने ये हैं पीएचडी है कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड लीगल सर्च इंजन। वेरी गुड पॉइंट्स। सी अभी कुछ टाइम से क्या है स्कूल्स बंद है स्कूल्स बंद है तो एजुटेक का एक बबल आया है नो एजुटेक कंट्रोल या बताया गया है कि क्यों जरूरी है कि हम एजुटेक सेक्टर में भी एक सर्टेन एथिक्स होना चाहिए और एक सर्टेन कंट्रोल होना जरूरी है सी हमने बिजनेस पढ़ा था बिजनेस में मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो ना तो सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है फर्म्स की वो टारगेट करती है बच्चों को बिकॉज बच्चे होते हैं ये सॉफ्ट सॉफ्ट टारगेट रहते हैं तो यहाँ पे उनको इन्फ्लुएंस करना इजी होता है चिल्ड्रेन आर बींग मेड टू लर्न अबाउट कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ कम्प्यूटर साइंस विदाउट एनी नॉलेज ऑफ रियल वर्ड नीड्स तो अभी एक नया ट्रेंड ऐसा स्टार्ट हुआ है प्रोग्रामिंग का कोडिंग का ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जैसे आठ साल का दस बारह साल का बच्चा है वो अगर दो तीन लाइन्स ऑफ कोच सीख लेगा प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेगा तो ही कुड गेट अ पैकेज ऑफ लाइक करोर्स एंड डॉलर मिलियन डॉलर्स ये जो पाइपड ड्रीम्स हैं दे आर नाट रियल ऑथेंटिक नहीं है ये मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं ये तो इसमें ज़रूरी है कि पहले दफ़े हम एक कंट्रोल करें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए ये जो माहौल बन रहा है इस पर एक चेक रखें पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज एक एज के बाद ही चीज़ें होती है वो ग्रेजुअल लर्निंग होती है अगर हम फोर्ज वे में अगर कुछ करते हैं ना तो उसके नेगेटिव आउटकम्स ज़्यादा आते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं यंग एज है क्यूरियोसिटी होती है दे विल आस्क क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन वी शुड आंसर दैम एज एन एल्डर वी शुड आंसर दैम बट जैसे हम ये परसेप्शन दे रहे हैं कि चिल्ड्रेन विल अर्न मिलियंस ऑफ यू एस डॉलर इन द फ्यूचर इफ दे लर्न विद द हेल्प ऑफ दीज कंपनीज तो ये एक बहुत रॉन्ग मैसेज है नए जो एजुटेक स्टार्टअप हैं या फिर कंपनीज हैं ये पियर के साथ खेलते हैं अक्सर जो पेरेंट होता है ना पेरेंट में क्या होता है एक गिल्ट फैक्टर आता है कि वो अपने बच्चे के लिए प्रॉपर सब सर्विसज नहीं दे पा रहा है या प्रॉपर जो फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं मोस्ट चिल्ड्रन में ऐसा कॉमन है इट्स वेरी हैपन अब क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो इसी फियर एंड गिल्ट का फ़ायदा उठाते हैं दे टेल द पेरेंट्स कि अगर आपने बच्चे को ये नहीं पढ़ाया ये प्रोग्रामिंग कोर्स नहीं कराया ये कोडिंग नहीं कराया नर्सरी स्कूल में ये वाला कॉम्पिटिशन नहीं कराया इतने पैसे नहीं दिए तो आपका बच्चा पिछड़ जाएगा पेरेंट्स को लगता है ऑल राइट right, बच्चे की बात है तो वो पैसे दे भी देते हैं बट इससे एक बहुत रॉन्ग कल्चर सेट कर रहे हैं हम कंपनीज विच फीस्ट ऑन द फ़ियर ऑफ पेरेंट्स दैट देयर चिल्ड्रन विल लेफ्ट आउट ऑफ द रेस बट लाइफ तो रेस है नहीं दिस इज अ वेरी रोंग पैटर्न और टू मच टू सून इज ऑल्सो रोंग एक दिन में टू मच टू सून अभी एज नहीं है दिस इज़ नॉट राइट फंडामेंटली दिस इज़ नॉट राइट ये सीखना गलत नहीं है बट जिस तरीके से सिखाया जा रहा है और फोर्स किया जा रहा है ये गलत है सम आर बींग टॉट डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन गेम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ये चीज़ें बहुत अच्छी है सीखना चाहिए अलगोरिदम डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इस माइंड सेट से कि दस बारह साल में आप सीखोगे ऑन्ट्रोप्रनोर बनोगे मिलियन ऑफ डॉलर का पैकेज लग जाएगा ऐसा होगा नहीं और फिर ये ड्रीम्स शेटर होंगे बहुत बुरी तरह तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक राइट डायरेक्शन उन्हें दें अब दूसरी चीज़ होती है एक चीज़ होती है पैसा सो मच ऑफ मनी और ये जो मनी जो होता है इज इट रिक्वायर्ड इससे डिजिटल डिवाइड हो रहा है हर चिल्ड्रन तो इतना पेरेंट्स अफोर्ड कर नहीं पाएंगे इतनी सारी चीज़ें तो वाई वी आर नॉट एनकरेजिंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग्स जैसे आपको अलगोरिदम ये सीखना है आप बुक्स देखो आई एम टेलिंग यू एवरी सिंगल थिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सस्ता है पढ़ाई के लिए पैसे नहीं चाहिए होते हैं अलगोरिदम सीखना है आप इस वेबसाइट में जाओ स्क्रैच डॉट एम आई टी एजुकेशन या कोड डॉट ओ आर ये बहुत अच्छी वेबसाइट है कोड डॉट ओ आर जी आप प्रोग्रामिंग सीखो फंडामेंटल सीखो बट इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक फैंसी सर्टिफिकेट के लिए वन ,00 रुपी रुपे कर रहे हो पंद्रह दिन का सर्टिफिकेट है और फिर उसके बाद आप ये सोच रहे हो मिलियन डॉलर पैकेज लग जाएगा ऐसा नहीं होता है सो डू दिस थिंग सिमिलरली यूपीएससी प्रपरेशन में भी ये जो द हिंदू न्यूज पेपर है इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन आता है करीब आठ सौ निन्यानवे रुपए का ये दो तीन रुपये पर डे पड़ा एन होती है फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स देती है पी का सारा कंटेंट फ्री रहता है वर्क ऑन दिस यू डू नॉट नीड मनी टू स्टडी यू नीड नियत चाहिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कमिटमेंट डालना पड़ेगा वो चीज़ फिर फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे सो दिस इज़ द थिंग अब प्रोग्रामिंग सिंटेक्स है डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंटली सीखें और बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर एज है टाइम से पहले हम उनको पुश कर रहे हैं नॉट गुड सो ये कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये सारी चीज़ें सीखें आर्टिफिशियल लर्निंग ऑब्जेक्टिविटी आए इंटेलिजेंस आए मशीन लर्निंग आए बट ये ऐसा नहीं है कि ये एक पैनेशिया है और हर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं बनना है तो हम क्यों पुश कर रहे हैं वहाँ पे एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक इससे अननेसेसरी मेंटल ट्रॉमा होता है तारे जमीन पर सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ये रेस नहीं है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ये देखिए ये बहुत अच्छा लाइन है यहां पे चिल्ड्रन नीड टू नो हाउ टू सर्व द इंटरनेट सेफ सिक्योर एनवायरमेंट नाउ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है एज अ पेरेंट यू शुड मॉनिटर की बच्चे का इंटरनेट एक्टिविटी में वो एक्चुअली कर क्या रहा है इंटरनेट इन अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट बिकॉज डबल एज सॉर्ड है ये इंटरनेट चिल्ड्रन हैव प्लेंटी टू लर्न इन साइंस एंड सोशल स्टडीज फॉर विच द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज फार मोर असेंशियल रादर देन बींग ट्रेंड एज एप डेवलपर एंड इनोवेटर नोट इट डाउन अंडरस्टैंड पेरेंट्स जरूरत है कि वो रीड और राइट करे ये पहले सीखे फिर एप्स एंड डेवलपमेंट आएंगे लैंग्वेजेस आएंगे देर आर नो शॉर्टकट्स दिस विल इनेबल दैम टू बी मोर नॉलेजेबल पर है देर इज नो बेटर वे टू डू दिस दैन बाय रीडिंग लिटरेचर देट इज बाय हम इतना ज्यादा क्यों एम्फेसाइज करते हैं रीड करो राइट करो देर इज नो शॉर्टकट डू दिस थिंग ओके एंड सी ही इज अ पी एच डी इन कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन काफी अच्छे वैलिड पॉइंट्स दिए यहाँ पे रैट रेस में नहीं आना है डू योर थिंग्स वी डोंट नीड नो एच टेक कंट्रोल और ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट से जो प्ले होते हैं ना जस्ट ड्रॉप दिस थिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है सो जस्ट डू योर थिंग ओके एंड ओल्ड स्कूल रेगुलर मेथड्स आर गुड मेथड्स ट्राइड एंड टेस्टेड होती है वो ये ट्रांजिशन ट्रबल है गिविंग इट द बेस्ट शॉट है सी हाउ सम ऑफ द कोविड नाइनटीन वैक्सीन कंपेयर ये कुछ वैक्सीनेशन है इनका अलग अलग स्टेज है काफी अच्छा यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में दिया है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है ये मॉडर्ना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वायरल वैक्टर है जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस बॉडी में लेगा और फिर इम्यूनिटी आएगा मॉडर्ना आरएनए है फाइजर बायोटेक का आरएनए है और ये स्पुतनिक फाइव भी वायरल वैक्टर है इनके दो दो डोजेज लगेंगे ये इतनी इनकी इफेक्टिविटी है सबसे बड़ी बात है रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर ऑक्सफोर्ड को चाहिए और दिस स्पुतनिक फाइव को चाहिए इनके लिए लॉजिस्टिक्स बहुत महंगा होगा मॉडर्ना एंड फाइजर के लिए यूएस कंपनीज के लिए तो ये प्रिलिमिनरी फेज में अभी तीनों यहाँ पे चल रहा है इनका वैक्सीनेशन के ट्रायल्स सी लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है हमें ये जली कट्टू है इंडिया का एंट्री फॉर ऑस्कर अवार्ड ये एक मलयालम मूवी है जिसको शॉर्टलिस्ट किया है फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स फिल्म ये एस हरीश स्टोरी जली ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री रहेगी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नाइनटी थर्ड अकेडमी अवार्ड ऑक्सफोर्ड एंड ये जो ऑस्कर है ना इसका एक्चुअल नाम अकेडमी अवार्ड है ये नया एडिशन है एम क्यू नाइन बी सी गार्डियन है मैक्सिमम फ्लाइंग एल्टीट्यूड फोर्टी थाउजेंड फीट है ये क्या है दिस अनमेड एयर व्हीकल एरियल व्हीकल यू ए वी ड्रोन्स हैं ये नेवी ने इनको अभी लीज पे लिया है नेवी इंडक्ट टू ड्रोन ऑन लीज फ्रॉम द यूएस ये इंडिया में नवंबर में आ जाएंगे दो एम क्यू नाइन बी सी गार्डियन अन आर्म ड्रोन प्रोक्योर किया है यूएस से ऑन लीज अब जो लीज है इसमें अभी तक क्या था डी ए पी में हम या तो बे करते थे या मेक करते थे डी में 2020 में एक नया ऑप्शन आ गया है लीज का लीज मतलब रेंट पे लिया है किराए पे लिया है फॉर सम टाइम तो ये जो ड्रोन है ये लीज पे लिए है हमने दिस इज सुप्रीम कोर्ट रेज ऑर्डर जली कट देन दीज आर द ड्रोन सी यू ए वी दिस प्रोक्योरमेंट और ये जो ड्रोन लिए हैं ना तो दिस इज लाइक फॉर इयर्स है और यहाँ पे वन ईयर के लिए लीज पे लिया है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ओ एम जो ओ है वो इसका सपोर्ट देगा ऑपरेट पूरा इंडिया करेगा सो दिस इज लीज लीज एक नया कैटेगरी है चाइना स्लैम्स इंडियाज बैन ऑन एप्स प्राइम मिनिस्टर ने आज फाउंडेशन ले फाउंडेशन करेंगे नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का इवेंट लाइकली टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ होगा सर्वर स्नैग हिट्स न्यूट्रिशन पोर्टल एंड दिस इज इमर्जिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड दिस इज सीजन ऑफ होप सी पैंडमिक साइलेंस द पॉटर्स वी एट कॉलोनी सीजन ऑफ होप गो लोकल ये वॉयिन है वॉयिन इज अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट देन दिस इज अमेरिका इज बैक एंड रेडी टू लीड द वर्ल्ड जो बाइडन कर रहे हैं अब क्लैरिटी आ रही है जो बाइडन का ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया है यूएस प्रेसिडेंट हॉन्ग की लीडर हैं वाउज टू री स्टो पॉलिटिकल ऑर्डर नाम क्या है कैरी लैम भूटान ने एस्टैब्लिश किया फॉर्मल टाइज विद जर्मनी भूटान है ना इसके बहुत ज्यादा टाइप टाइज नहीं है फॉरेन कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी फॉर्मल टाइज आए हैं जर्मनी के साथ फर्स्ट डिप्लोमेटिक फोरे है इन सेवन ईयर्स और इंडिया ने इसको वेलकम भी किया है इंडिया एंड जर्मनी के ट्रेडिशनल टाइज अच्छे हैं और इंडिया एंड भूटान आर फ्रेंड्स गवर्नमेंट अलॉट्स 2000 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए दिस एन आई प्लेटफॉर्म में रहेगा फंडिंग सरकार खर्चा बढ़ा रही है सो दैट इकोनॉमी को बूस्ट मिले कैबिनेट ने ओके okay कर दिया है मर्जर ऑफ दिस लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस डीबीएस बैंक सिंगापुर का है इसका इंडियन ब्रांच डीबीएस बैंक इंडिया और जो मोरेटोरियम लगा था वो नवंबर 27 को लिफ्ट भी हो जाएगा जीएसटी शॉर्टफॉल है देन दिस इज कर्ब्स एंड एनएससी वॉन फ्यूचर रिटेल ऑफ एक्शन इन अमेज़न ये हैं डिएगो माराडोना वन ऑफ फुटबॉलस इमॉर्टल लीव्स अर्थ ही वाज 60 ईयर ओल्ड एंड डिएगो माराडोना वอร์शिपड एज अ गॉड बाय मिलियंस ऑफ फैंस फुटबॉल ही वाज अल्टीमेट रैग्स टू रिचस स्टोरी लेजेंड्स पॉपुलैरिटी स्ट्रेचिंग ऑल ओवर द ग्लोब इंडिया में भी बहुत फैंस हैं पिनेकल पिनैकल मतलब टॉप मैराडोनाज मोमेंट ऑफ ग्लोरी एज ही एज्ज वर्ल्ड कप आफ्टर विनिंग द फाइनल इन 1986 ये किसकी जर्सी है अर्जेंटीना अर्जेंटीना का एक और बहुत फेमस प्लेयर है नेम इट देन दिस इज फेमस हैंड ऑफ गोल्ड मैच था हैंड ऑफ गोल्ड हैंड ऑफ गॉड अर्जेंटीना वर्सेज इंग्लैंड नाइनटीन एटी सिक्स वर्ल्ड कप इन मैक्सिको जीनियस वॉज इन एट इन इज वींस बट इनका जो करियर था ना एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट भी था काफी सारे ट्रबल्स में भी ये आए थे डीएगो मैराडोना अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस द मिल्क महान ऑफ इंडिया द मिल्क मैन ऑफ इंडिया दिस इज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कुरियन नाइंटी नाइन्थ बर्थ एनिवर्सरी है वाइट मिल्क इंडिया में जो रिवोल्यूशन हुआ वाइट रिवॉल्यूशन हुआ इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गुजरात आनंद एक्सट्रीमली गुड वर्क और ये केस स्टडी माना जाता है सक्सेस स्टोरी माना जाता है इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का मिल्क महान ऑफ इंडिया सो लेट लेटेज प्रिपेयर अ नोट ऑन द वाइट रिवॉल्यूशन जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं ना वीट एंड पैडी एंड दिस हाई हाईिंग वेराइटी वाइट रिवॉल्यूशन क्या है डिस्कस करें इट्स की इकोनॉमिक और सोसाइटल सिग्निफिकेंस भी सोसाइटल मतलब इसमें जो मोस्टली जो वर्क है ना वुमेन काफ़ी सोसाइटल इंप्रूवमेंट किया है बेटरमेंट किया है इन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी है इकोनॉमिक एंड सोसाइटल सिग्निफिकेंस क्या है वाइट रिवॉल्यूशन का इस पर एक नोट तैयार करिए सो so ये क्वेश्चन नंबर टू था आज 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इंडिया ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन एडोपन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर और इनेक्टेड फिर 26 जनवरी को होगा जिसको हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं एडॉप्ट हुआ था नवंबर 26, 1949 को तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 26 नवंबर को हम मनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनता है 26 नवंबर संविधान दिवस 49 को हमने एडॉप्ट किया था और केम इनटू फोर्स हुआ जनवरी 26 1950 तो 26 को क्या होगा जनवरी 26 को होगा गणतंत्र दिवस और यहां पर होगा संविधान दिवस दिस इज संविधान दिवस और ये रिपब्लिक डे है ओके okay? और इंडिपेंडेंस डे पंद्रह अगस्त होता है ये संविधान दिवस है कॉन्स्टिट्यूशन डे अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए थे बहरीन में सलमान बिन हमद अल खलीफा इन दिस बहरीन इंडिया और ये जो पूरा सऊदी ब्लॉक है आजकल बहुत फ्रेंडशिप बढ़ रही है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पे विजिट किए और यहाँ पे बात हुआ बूस्ट करेंगे कोऑपरेशन डिफेंस में मैरीटाइम सिक्योरिटी में बिकॉज ये जो पूरा एरिया है ऑयल सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस टेक्नोलॉजी में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर में आईटी फिनटेक फाइनेंशियल टेक हेल्थ में हाइड्रोकार्बन में और रिन्यूएबल एनर्जी में यहां हम कोऑपरेशन करेंगे बहरीन बहरीन क्या एक आइलैंड है यसोनो आइलैंड द्वीप दिस इज रिमेंबरिंग हीरो रिमेंबरिंग अरो एन एस जी कैंप मुंबई दिस रेथ सेरेमनी थर्सडे को ट्वेल्थ एनिवर्सरी है छब्बीस इलेवन का जो मुंबई अटैक हुआ था फ्रंट ऑफ स्टैचू ऑफ मेजर संदीप उन्नी कृष्णन एक्शन ड्यूरिंग द अटैक मार्टरडम सो दिस इज रिमेम्बरिंग अ हीरो अभी रत्नागिरी में एक बीच में ये ब्लू टाइट देखने को मिला ये पूरा ऐसे ब्लू हो गया था रीजन क्या है रीजन ये है कि यहाँ पे ल्यूमिनिसेंट हुआ था जिसे जुगनू होता है ना उसमें ल्यूमिनिसेंट होता है ऐसे ही ल्यूमिनिसेंट ब्लू कलर का हुआ मैराइन लाइफ में, में मेक्स द सी अपियर अ डीप शेड ऑफ ब्लू अब ये जो स्पेक्टिकल हुआ ये हुआ फाइटो प्लैंकटन माइक्रोस्कोपिक मेरीन प्लांट से कॉमनली जिनको बोला जाता है डाइनो फ्लैजलेट्स ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शन इनके प्रोटीन में होता है जैसे जुगनू होता है समथिंग लाइक दैट यहाँ पे ऐसे लाइट होता है इसको ल्यूमिनिसेंस बोलते हैं रीजन ये है कि यूजली क्या होता है लाइट पॉल्यूशन भी होता है तो ये चीज़ें दिखती नहीं है ह्यूमन्स के कारण लाइट पॉल्यूशन होता है तो ये चीज़ें विजिबल नहीं हो पाती बट कई बार हाई टेम्परेचर है सी का हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है अगेन बिकॉज ऑफ ह्यूमंस सीवेज है एफलेंट है इससे टर्बुलेंस बढ़ता है वेव वाटर का और ऐसे जो ब्लू टाइट के फिनोमिन दिखने को मिलते हैं तो दिस इज ब्लू टाइट रीजन क्या है दिस इज द रीजन लूमिनीसेंस फाइटो प्लैंटॉन सो दिस इज दिस इज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में दिस इज जुडिशल ओवर रीच इन समर्ड इट्स

ऑनलाइन ये जो इतना कंप्यूटर स्क्रीन है ना दिस इज नॉट गुड फॉर आई साइट एज वेल आई साइट वीक होता है देन दिस पॉलिस यूज़ वाटर कैनन अम्बाला दिल्ली में ये सेवनटी एथ कॉन्स्टिट्यूशनल डे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर ने कहा दिस बहरीन सी बूस्ट कोऑपरेशन रिमेंबरिंग हीरो और यहाँ पर है न्यू ओल्ड अमेरिका बाइडन्स अमेरिका रोल इट बैक अ वर्ल्ड इज नॉट अनफ कोविड नाइन्टीन लॉ ऑफ अन फ्रीडम स्ट्राइक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड रूल ऑफ लॉ बेस्ट होता है रूल रूल ऑफ लॉ अ लॉन्ग विंटर फॉर इकोनमी अभी इसका कुछ रिकवरी दिख नहीं रही है देन लंग फाइब्रोसिस ये क्या होता है कोविड नाइन्टीन लास्टिंग जो कोविड वायरस है ना ये बॉडी को बहुत डैमेज करता है सीवियर लंग फाइब्रोसिस के केसेस दिख रहे हैं पेशेंट्स में गांधी जी का आइकॉनिक स्टैचू पार्लियामेंट में एंड दिस इज द वर्ल्ड न्यूज़ यूएस में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं चाइना शी जिनपिंग ने भी बाइडन को कॉन्ग्रेचुलेट किया है मिस्टीरियस शाइनी मोनोलिथ मिला है रिमोट पार्ट ऑफ डेजर्ट इन उताह यूएस स्मूथ टॉल स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे मिला है देन दिस इज इकोनॉमी लक्ष्मी विलास बैंक नो बेल आउट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तो जो उनके डिपॉजिटर्स थे उनको तो फायदा हो गया बट जो लक्ष्मी विलास बैंक में इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं बॉन्ड्स हैं उनको फायदा नहीं हुआ इस पूरे इस बेल आउट में ऑक्सफोर्ड हाफ डोज एफिकेसी तो ये था इंडियन एक्सप्रेस अब हम देखते हैं झारखंड का मैप सी झारखंड पहले बिहार झारखंड एक ही राज्य थे फिर बाद में झारखंड एक नया राज्य बनाया साल बताइए और इसके साथ दो और राज्य बने थे दिस झारखंड के साथ तो यहाँ नॉर्थ में है बिहार ये है उत्तर प्रदेश ये है छत्तीसगढ़ नीचे है उड़ीसा और ये है वेस्ट बंगाल तो बिहार उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये इसके बॉर्डर स्टेट्स हैं यहाँ से ये ऐसे बिहार से इतना पार्ट अलग होके झारखंड बना झारखंड जो है ये मिनरल रिच स्टेट है मिनरल एंड दिस नेचुरल वेल्थ बहुत है झारखंड के पास हम अभी जोग्राफी में पढ़ेंगे ना माइन्स मिनरल्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे एबुंडेंट हैं एबुंडेंट अवेलेबल है अब यहाँ पे देखें तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है दामोदर रिवर यहाँ नॉर्थ में यहाँ जो बाउंड्री बना रही है वो सोन रिवर भी है कोयल रिवर है नॉर्थ और साउथ दो कोयल है एंड दिस इज सुबर्ण रेखा यहाँ साउथ में सुबर्ण रेखा रिवर भी है दामोदर में ही ये डी है दामोदर वैली कॉपोरेशन देन अजय रिवर है दिस इज बराकर रिवर यहाँ ये जो बॉर्डर बना रही है दैट इज दिस गंगा रिवर गंगा रिवर दिस इज गंगा रिवर साहिबगंज में है ये ओके okay? ये झारखंड है ओके okay? ये है देन रांची रांची झारखंड का कैपिटल है ओके दिस इज द कैपिटल ऑफ झारखंड दिस इज ग्रेड माइंस एंड मिनरल्स बहुत एबुंड है वेल्थ बहुत है नेचुरल वेल्थ दिस झारखंड का

ये सारी डिफरेंट वैक्सीनेशन है एजूटेक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है अदरवाइज हम एक जनरेशन को वी आर डूइंग इनजस्टिस दिस इज एजुटेक कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट देन रिफाइनिंग ट्रेड यूनियन स्ट्रैटेजीज टू स्ट्राइक अ कॉर्ड ये है जॉब्स एक्सपोर्ट्स आर टी पी सी आर टेस्ट दिल्ली अपडेट्स नई गाइडलाइंस और दिस इज साइक्लोन निवार एंड दिस कॉन्सेप्ट सो दिस इज ट्वेंटीबर ट्वेंटी ट्वेंटी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ